अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या चाल है भाई? तुम लोग सब ठीक ठाक हो? अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई कि मैं यूसुफ भाई की बाइक पे क्या कर रहा हूँ? अरे तुम लोगों को पता है कि लास्ट यार वो चाचा को छोड़ के आए तो फिर मेरे पास बाइक तो थी नहीं, तो मैंने यूसुफ भाई ये ले गया था। बिल्कुल घर पे जा रहा हूँ, उन्होंने बोला था रात में फ़ोन करके यार मुझे सुबह उठा के उठा दियो, वर्कशॉप जाना। मैंने बोला यार समझ, अबे बाइक ऐसे पप्पू चलते, यूसुफ भाई जो चलाई नहीं जाती है, घटिया तरीके से चलाते हैं, अजीब है। इनको चल के कितने जा रही भाई, अभी जाके जो है ना इनको उठाता हूँ, यहाँ से शॉर्टकट मान लेता हूँ, मैं सीधा इनके घर पे ही जाऊँगा। कौन इतना रोड क्रॉस करे? हटिया पीपी यहाँ पे हटना भाई, बाजी आंटी थोड़ा रास्ता हटो 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 प्लीज लेडीज। चलो ये देखो कैसे शॉर्टकट मारा आपके भाई ने। और भाई जिमी लीजेंटा का दिमाग है भाई। सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक ठाक, क्या हुआ, खैरियत? यूसुफ भाई हैं? अबे आवाज़ क्या जा रही है? हाँ अबे तुम उठ गए? हाँ यार उठ गया यार, वो सुबह वो दूध वाला आया था यार पैसे लेने। पैसे लेने? मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। मेरे तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि तू आएगा ही नहीं उठाने यार, कसम से। ये क्या कर रहे हो तुम इसमें मुंह दे रहे हो कचरे में? कचरा नहीं है यार, वो पौधा लगा रहा हूँ यार कसम से। तुम्हें बड़ी सफाई का शौक हो गया? तुम्हारी तरह गंदे थोड़ी हम। अबे तू ना बकवास कर रही हो बस। अच्छा ये बता यार, मेरे को वर्कशॉप जाना है यार, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, बोरियत बड़ी हो रही है यार मोटे, है ना? मुझे भी हो रही है यार। वैसे जोशी भाई एक बात बताऊँ? हाँ बोल। अबे जब से चाचा गए वैसे सुकून तो हो गया, लेकिन ना बोरियत हो रही है यार। अबे तुझे नहीं पता मैं कितना लंबा हो गया सोया हूँ, देख आज जल्दी सुबह भी उठ गया मैं। तुम इतनी सुबह उठ कैसे गए इतनी जल्दी? अरे यार तू रात में था नहीं तो मैं सो गया जल्दी, अकेला मस्त सोया हूँ, मस्त जल्दी उठ गया मैं, हो गई नींद पूरी यार। वही मैं सोचूँ तुम तो 10-12 घंटे से पहले उठते नहीं हो, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ तुम्हारी तरह तुम बताइए कि मेरे को क्या समझते हो कि नींद की गोलियां खा के सोता हूँ शायद मैं। लगता तो ऐसा ही है बेटा, तू लंबा लंबा होके सोया था, 14 घंटे सो गया था। ओ तो बस छोड़ो ना, अभी चले यार वर्कशॉप चलते हैं मर्सिडीज में चाचा की। अरे चाचा की कहाँ, अब तो अपनी है वे। हाँ अब तो अपनी है भाई फुल। यूसुफ भाई एक बात बताओ, तुम वो गाड़ियाँ बेच दोगे? तुम बोल रहे थे नई गाड़ी लूँगा, मैं तो बोल रहा हूँ यही रख लो। हाँ ये बाद में सोचे, गाड़ियों वाड़ियों का दिमाग में नहीं डाला गया है, तो दिमाग का वैसे ही बजा पड़ा हुआ है बाजा। गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, गाड़ी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। तो आप क्या करें, अब हग रहे हैं लोग बैठ के? हाँ हगने दो, पेट्रोल डलवाऊँ, पता नहीं कब से खड़ी हुई थी इसमें, पेट्रोल है अभी कि नहीं? हाँ डलवा लो। तेरे 500 का खुला है? हाँ हैगा, तो क्यों पेट्रोल डलवा दे यार। अबे अपने पैसे जो डलवा भाई। अबे मेरे को ATM मानना पड़ेगा ना यार। तो मान ले सामने से। हाँ डलवाना यार। अच्छा भाई चला बैठ। चलो पूरे 500 का डलवाए ना। अबे हाँ भाई मीटर देख ले रुक के। हाँ नहीं नहीं तेरी दुकान पे भरोसा है मेरे को। अच्छा अजीब है तू, और तेरे से पैसे मांग लेता हूँ, तेरी जान निकल आई थी साले, इतना हरामी है तू। अबे तो तेरे को पता है मेरे भाई इतने नहीं होते, तेरी तरह मैं भाई बचाता हूँ, मैं शेविंग करता हूँ यार, तेरी तरह थोड़ी हो कि खुले हाथ का उड़ाता रहूँ उड़ाता रहूँ उड़ाता रहूँ। क्या बोल रहा है? उड़ाता रहूँ। मेरे को क्या समझ रहा है तू, अपने आप पे खर्च कर रहा हूँ, किसी के बाप पे थोड़ी ना खर्च कर रहा हूँ। कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं, किसी के बाप के लिए थोड़ी कमाते हैं। हाँ ये भी चाहिए फिर भी, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ रखा करो यूसुफ भाई। मेरे को मस्ती का साल है, तेरी उम्र ज़्यादा है कि मेरी उम्र? हाँ उम्र तो तुम्हारी ज़्यादा है, बाल भी तुम्हारे ही गए हैं, तो एक्सपीरियंस भी तुम्हें ही है। अबे चल ये तो जल्दी चलेगा बाल, वरना तो इतनी उम्र है ही नहीं मेरी। अबे अभी तो होगी तुम्हारी 40-45। मौका 20-22 होगी वे। हैं अबे खुदा का खौफ कर साले, अभी कुछ 3-4 महीने बाद तू ऊपर जाके मिल लेगा किसी ना किसी अपने जान पहचान वाले से। लानत है भाई तेरी शक्ल पे, अपने बाप को भेज दो पर। चुप कर बे, तेरा बाप मार्केट से शार्ट है, कहाँ शार्ट है? पता नहीं कहाँ शार्ट है भाई, किस कामों में लगे हुए मुझे नहीं पता। वाह तुम्हारा बाप है, एक ही घर में रहते हो कि नहीं? एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है पूरा दिन तो मैं बाहर होता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो वो शोर होते हैं, और जब मैं शो के उठता हूँ तो वो होते ही नहीं। हाँ ये भी है, आवारा हो तो हो तुम। बकवास करा लो बस तेरे से, तेरे साथ आवारा गर्दी करता हूँ, तू नहीं लगाया आवारा गर्दी पे आनी तो तेरे से जब बातचीत नहीं थी ना मेरी, मैं घर में बैठा रहता था बेटा, कितना शरीफ था मैं। शरीफ तो तू अभी भी है, तेरे कोई भी पहल के चला जाए। हैं कुछ नहीं, तू गाड़ी चला भाई चुपचाप। देख भाई देख, लानत है भाई की शक्ल पे। चाचा एक चीज सही बोलते हैं कि तेरे को ड्राइविंग नहीं आती। अबे चुप कर, चाचा की गुनगारा बचा दी तूने पूरी गाड़ी की, बताएंगे तेरे को जाके चाचा। घंटा ये कहाँ आएगा, वो भूल गया क्या? हाँ वो तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी खर्चा तो बढ़ गया ना। चाचा के हाथ में थे कि चमकती हुई रोज कपड़ा मार के इस पे दुकान जाते थे,
तू ज्यादा ना चाचा की टटेगिरी नहीं कर, चुप अंदर बैठ। अबे नहीं मैं बता रहा हूँ, हरामी माँ हरामी कुत्ता कमीना है वो, लेकिन उसकी आदतें हर अच्छी थी ये गाड़ी वाड़ी के मामले में। नहीं तो दिमाग की बजा दी। अभी देखूँ शकोर को, चला आज तो दुकान पर गाड़ियाँ ही नहीं है। हाँ शकोर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसा है? ये कौन सी गाड़ी है? ये वो जो कबाड़ खड़ी हुई थी? दीदी यूसुफ भाई कलर वलर तलते अभी तो यहाँ थली खली, ईंधन फिर तल लो। जबरदस्त। हाँ शकोर कैसा है? एक तो यहाँ पे माड़म दाड़म ही चलती रहती है। अबे साइड में लगा इसको, फेंक इसको। अले ताओ दिया इसको अड्डा, सबसे पहले तो 86 को बाहर पे, किसी काम की नहीं है ये। अले ताता थमान लेने दे में, तब पाकिस्तान में आते लदाएं देना। घंटा आएंगे चाचा नहीं आएंगे, अब चाचा नहीं आएंगे भूल जाओ उनको, अब मैं हूँ तुम्हारा सेठ। अले यूसुफ भाई ताता यहाँ थे थे, मैं आपती नहीं थूनूंगा, जब तक ताता नहीं है मैं आपती नहीं थूनूंगा। उन्होंने ताबिया मेरे हाथ में दी हुई हैं। कैसी जबान चल रही है इसकी? को तो साले टेढ़ा नहीं बन रहा था, तेरे को मार मार के ना भी सीधा कर दूंगा मैं। ताता तो बता दूंगा, घंटा बताएगा तू, ये दुकान भी अब मेरी है। नहीं तो ही नहीं, ये ताता थी, उन तो आने दो। अले ताता लो साले, ज्यादा तेज जबान नहीं चल रही, मारो ये चिमाई, देख रहे हो चाचा की। अले 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 यूसुफ भाई मैं ताता तो बताऊंगा। अले ना बता तू अपने बाप को साले, चाचा को बताएगा अपने। अले यूसुफ भाई देखते था तुम ताता, अले मैं धोलूंगा नहीं, तुम तो देखना। मार मार इसके दो गुद्दी पे और रख, ताले की ज्यादा जब साले की जबान ज्यादा चल रही है। हाँ इंसान का बच्चा बन जा, मैं बताऊंगा ताता तो। हट तेरी, बता अपने बाप को तू, काम करना है ना ढंग से कर, खड़ा हो जल्दी, क्या ढंग से काम करना है बिल्कुल। आता था ये यूसुफ भाई, ताता वापसी नहीं आएंगे, घंटा नहीं आएगा वो भूल जाओ उसको, काम पे ध्यान दे चल। नहीं तो साला चाचा को बताएंगे। कैसी जबान चल रही थी भैंस की, ये साले सब चाचा की वजह से पर खुल गए, तुमसे जबान लड़ा रहे हैं। एक टाइम पे हम इसके उस्ताद थे, ये हमारे शागिर्द, आज हम अपने उस्ताद से जबान लड़ा रहे हैं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे देख लेना। हाँ ये तो है। चुप कर बे, माक चाट कर दिया चाचा 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 भैया। चाचा का फोन। हाँ इसका फोन क्यों आ गया मेरे को क्या पता। हेलो हेलो मत बेटे, क्या बोलो? अरे यहाँ को मैंने गाड़ी का सामान लेना था तो मैंने बात कर ली, पैसे ट्रांसफर कर दूँ यार, शाम में मैं तेरे को मिस कॉल मारूंगा या मैसेज कर दूंगा यार व्हाट्सएप पे यार। अच्छा कितने पैसे हैं? अरे 1,20,000 रुपये दे दियो, 1.5 लाख रुपये पूरे भेज दो यार, मेरे को टिकट भी तो कराने, बल्कि 2 लाख भेज दो यार। अच्छा चलो सही भेज दूंगा यार, से भेज दो मनुष्य के बच्चों और मेरी बात। अबे बात तो सुन लेता उसकी। अबे दफा कर साले को, उसकी बात सुनने के लिए बैठे क्या? अबे कौन आ गया काले? हाँ कहाँ तो बोल काले। हाँ शॉप पर है। हाँ शॉप पर हूँ, क्या हुआ? यार काम है, मैं घर जा रहा हूँ, जरा तुझसे गाड़ी का काम है, तेरे पास से होता हुआ जाऊँगा, वहीं रही हो। चाचा की शॉप पे है ना? चाचा की नहीं अपनी शॉप पे हूँ, वो मेरी है। हाँ वहीं आ रहा हूँ मैं, आ जा आ जा। क्या हुआ? काले का फोन है, वो कहा मैं गाड़ी का पता नहीं, बोल रहा मैं होता हुआ जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने बोला आ जा भाई। अजीब ये यार, आज तो गाड़ियाँ ही नहीं आ रही, इसमें तुम पनौती हो। चुप कर मैं, क्या हुआ तो गाड़ी का काम क्यों नहीं कर रहा तू? तल रहा हूँ अभी था, बल तल लो। इसको भी मर्सिडीज को भी फिक्स कर जल्दी, ये थोड़ी सी आगे से लग गई। ताता तुमको थोलेंगे नहीं। लगाऊं तेरे फिर मैं तेरे और चमाटे भी, ताता तेरे को छोड़ेंगे नहीं, काम पे ध्यान दे जल्दी। नहीं तो साला चलो भाई यार, इससे जरा गाड़ी का काम है, मिलता हुआ चला जाऊँ, इससे घर ही जा रहा था। चलो क्लाइंट आया हुआ जरा, उसको भी पकड़ा ही देंगे ना यार गाड़ी। चलो भाई किधर है, यहीं पर है ना ये? चलो यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, मिलता हूँ यार ज़रा इसे जाके, गाड़ी मुझे ढूंढनी है अपने क्लाइंट के लिए ना यार ज़रा। चल किधर बैठा हुआ वो रहा। काले कैसा है मेरी जान? मैं तो ठीक हूँ भाई, तू सुना? और अबे आज तो दुकान खाली खाली लग रही है। अभी ये पनौती है, पनौती पहला दिन है इसका, दुकान पे काम ही नहीं है। और शकुर कैसा है? मैं तीतू यूसुफ भाई और फलान तलन भाई। अबे एक काम कर तू चुपचाप। यार वो गाड़ी है कोई बिकने की? कौन सी? कोई है थोड़ी हैवी महंगी महंगी। हाँ है क्यों नहीं है, कितनी चाहिए? एक ही चाहिए, मैंने कौन सा इतवार बदल लगाना। सुपरा खड़ी हुई और डॉज खड़ी हुई। वो तो तेरी वाली है ना, बेच रहे क्या? कब से बेचने के लिए, मैंने शोरूम पर उनको डिस्प्ले पे लगाया हुआ। क्या मांग रहा? वो तो अपन कर लेंगे, चाहिए किसको तेरे को? नहीं नहीं यार एक क्लाइंट है मेरा, उसको चाहिए यार। अच्छा तो तुम एक काम करो, कल मेरे को मिस कॉल मारो, मैं गाड़ी लेके तुम्हारी शॉप पर आ जाता हूँ यार, या तो तुम एक काम करो शोरूम आ जाओगा बंदे को लेके। हाँ ऐसा कर लेता हूँ, मैं शोरूम आ जाऊँगा बंदे को लेके, उसको दिखा देंगे, उसको दोनों में से जो पसंद आई ले लेगा वो।
तुम उसको बता देना, बल्कि तुम मुझे इसकी तस्वीरें भेज देना, एक दफ़ा मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, फॉरवर्ड मार दूंगा ना। अच्छा चलो सही है, कर देंगे। यार फ्रैंकलिन भाई को गाड़ी हो ना कोई डिसेंट सी बिकने की तो मुझे बताना यार। यार एक लेक्सस आई वे उसका बता दूंगा तुम्हें। ओके ओके चलो वहीं खलते हैं। इस साले दुकान का मुझे नज़रिया बिल्कुल अलग ही लग रहा है जब से चाचा का ये यूसुफ कैसे ट्रीट कर रहा है इन लोगों को। शकूर से बात करी, रोने जैसी इसकी हालत हो रही। मुझे लग रहा चाचा को बता दूँ मैं, लेकिन छोड़ो ये, फिर बाद में मेरे पे बुराई डाल देंगे कि मैंने बता दिया। वो आके खुद ही देख लेंगे भाई चाचा। चल चल लगा रहे हैं तो आले तल लाऊ ना। अबे अब कौन आ गया साला? अबे बुड्ढा। हाँ बुड्ढे। यार यूसुफ भाई वो तुमने सुबह घर की बात करी थी ना यार, आ जाओ मेरे को लेने, आ जाओ कब्रिस्तान में खड़ा हूँ मैं। क्या वो साले अम्मा गुजर गई है तेरी? अबे ओ ते गुजरे तेरी, जल्दी आ। आ रहा आ रहा। अजीब ये साले, वो खड़ा हुआ तू वहाँ पर है, मेरे को बोल रहा है। क्या हुआ? अरे यार वो शकील बुड्ढे को उठाना है, पुराना वाला घर जो है ना यार वो बेचने की बात की। जल्दी आ गाड़ी में बैठ। चलो जल्दी बैठ। आ रहा आ रहा। आगे बैठना। चलो ड्राइवर। इंसान बन ड्राइवर। भाई कैसे चला रहा है तू? बड़ी चिंडी क्यों बजा रहा है इसकी? तेरी गाड़ी है, बकवास नहीं कर मेरे से ज़्यादा। यूसुफ भाई तुम मुझसे बहुत लड़ रहे हो आजकल। मेरा मेरे देखो कोई ना कोई सीन पार्ट ऐसा हो जाता है, मेरा मीटर छाट देता है। तेरे को पता, जब मेरा मीटर छाट देता तो मेरी दिमाग छाट रहता है यार। मेरे को थोड़ा चिड़े सीन चाहिए होता ना फिर उसके बाद, लेकिन वैसा सीन मिल नहीं रहा। अभी शकील के पास क्यों जा रहे हो? अबे यार वो मेरा पुराना सबसे पहले लेकर नहीं था वो बग्गी पाड़े वाला। हाँ यार वो ये पार्टी लेकर आया था, किसी को छोटा घर चाहिए था तो इसने बोला कि तेरा दिखा दे, तो मैंने बोला हाँ बिकवा दे। कितने का? ये 10-12 लाख बस बहुत है यार, उसके और क्या जाएगा, इतना महंगा है नहीं वो। हाँ चाहिए दे दो, जान छोड़ाओ कब से खाली पड़ा हुआ, बकरी के जाल में छुपकलियाँ घूम रही होंगी उसमें। हाँ यही है। ये शकील बुड्ढा किधर है अभी? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? वहाँ क्या कर रहा है? मेरे को क्या पता, किसी की फातिया पढ़ने गया होगा। हाँ नहीं तो मेरे को खुद नहीं पता, अभी मिलता हूँ तो पूछता हूँ ना मैं उससे, कब्रिस्तान में क्या कर रहा है साला। अबे ये गाड़ी वाड़ी नहीं क्या इसके पास अब? नहीं ना बेच दी इसने यार, वो गाड़ी ढूंढ रही है। चला गाड़ी 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 आनी तो हर बात में गाड़ी निकल के आ जाती है। यही यही रह गया जिंदगी में और क्या करें। हाँ ना कहाँ है कब्रिस्तान? ये रहा ना। शुक्र है। चलो किधर है? अबे कहाँ है भाई? मेरे को क्या पता, आस पास देख टिपाही मान नज़र आ रहा है। घंटा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। कहाँ है? अबे वो आ रहा भागता हुआ। अबे भाई। हाँ शकील बुड्ढे, यहाँ क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं यार, वो मेरा एक दोस्त क्या कर रहा है भाई, है तू? वो सिक्का पड़ा हुआ था। तू तो भाई घेरे में पैसे उठाता रही हो। चल गाड़ी में बैठ। आजा आजा, यहाँ क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं यार, वो मेरे एक दोस्त के अब्बू लुढ़क गए थे, उनको दफनाने आए थे। अच्छा करीबी थे? मैं बोल रहा हूँ दोस्त के अब्बू थे। अच्छा ना बैठ ना यार, पार्टी की तरह वो वाली घर वाली? वो वहीं खड़ी में, मैंने उनको घर दिखा दिया था सुबह। अच्छा चाबी, जब तू चाबी कहाँ घर की? वो तो मेरे पास ही है ना यार। उसमें यार तेरे को मैंने एक और चाबी दी थी वो वाले घर की, रेस वाले की, वो चाबी भी उसी में ही है। हाँ कहीं नहीं कहीं पता है मुझे उसमें की चल। अबे इसकी तो मैं साफ नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी गलती नहीं, इधर साल है। पकड़ पकड़ इसको, आज तो हाथ साफ करेंगे। सुबह सुबह बोलो, खुजली क्यों हो रही थी हथेली पे? उठ ताले ताले काले बंदर, खड़ो खड़ो। अब जी तेरे बाप कर उठे हैं, इतनी पुतल गाड़ी चला रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, छोड़ूंगा भी नहीं तेरी गाड़ी को। तोड़ो तोड़ो शीशा, तोड़ो ऊपर की विंडशील्ड तोड़ो। अभी तोड़ता हूँ, ये ले ये ले। अबे पागल हो गया हो, चलो पुलिस आ जाएगी भाई। पुलिस तो नहीं डरते अपन, नहीं तो बैठ, पुलिस अपनी जेब में। अबे पुलिस तेरी जेब में साले, तेरा क्या मामू काम करते हैं पुलिस में? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, फिर भी ऐसे भरम बहुत है अपने, बता मोटे इसको। किसके यूसुफ भाई? पुलिस के। पुलिस के बहुत भरम होते हैं, डंडे मारती ना चूतड़ों पे। बोलो तो। ए तू तो पागल ही है मोटे। मैंने क्या किया भाई? चुप कर जा यार, तेरे को तो बात करनी नहीं आती, बोलने का कुछ बोलना, बोल कुछ रहा है। तुमने बोला पुलिस के बारे में, बताओ मैंने बता दिया। खुदा का वास्ता है भाई, तेरे को चुप हो जा, बकवास करता है। अबे यूसुफ भाई तुम गलत आ गए, तुम्हारा घर पीछे रह गया। यू टर्न मार रहा हूँ ये देखो। अबे ये कौन सा यू टर्न मार रहा है, देख रहे हो शकील बुड्ढे के काम? अबे ये दिन ब दिन पागल हो रहा है, इसकी शादी करवाओ, लड़की वड़की ढूंढो, जो भी बादशाह तुम कुछ है ना। मैं भी, लेकिन इसको लड़की देगा कौन? अपनी बहन दे देना तू। यूसुफ बहन भी नहीं आई हो तू? हाँ नहीं तो क्यों बकवास कर रहा है फिर? हाँ नहीं तो
कहाँ है बुड्ढे वो? अबे वो गाड़ी खड़ी है ना, पार्टी आई हुई है। अच्छा चलो आ जाओ। चलो भाई, ये कौन है? ये कौन है? यही तो है, ये इनको चाहिए मुश्ताक भाई नाम है इनका। आ जाओ मुश्ताक भाई। देखो अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम मुश्ताक भाई। घर तुमने देख लिया ना सुबह? शकील ने तुम्हें दिखा दिया। देखो यही कंडीशन में मेरे को बेचने का है और मैं कोई झोल मोल लेने का नहीं। देख लो पूरा घर। जी जी वो मैंने देख लिया। मुझे अभी एक चीज़ बताएंगे, इसमें जो फर्नीचर है वो हम लेके जाएंगे या वो भी बेचेंगे? नहीं नहीं वो भी तुम ले लो, फ्री में ले लो, बस तुम मेरे को घर के पैसे दे दो। मेरे पास, मैं पहले रहता था, मैं बंगले में रहता हूँ मैं। अरे वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। शकील बुड्ढे दिखा दो, बाकी तुमने सब दिखा दिया ना इनको। और ये पार्किंग वार्किंग देख लो, इलाके के बारे में बता दिया, गैस बिजली सब रेंट है। और बस थोड़ा सा बिल चढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रिक का 1.5-2 लाख का। हाँ वो मैंने सब बता दिया। हाँ सही किया तो नहीं यार, पहले बता देना चाहिए, गलत बयान नहीं होनी चाहिए। पीछे से भी देख लो, ये देखो ये पूरे पार्किंग एरिया है। अल्लाह रंग ही उतर गया घर का तो। भाई यूसुफ भाई क्या हालत हो गई घर की? पहले कौन तो अच्छा था। सही है मुश्ताक भाई, ये शकील तुमसे डील कर लेगा, मैं थोड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जी जी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सही है शकील बुड्ढे, पैसे वैसे ले लियो और मेरे को पूरे गिनवा दियो। सही है शकील बुड्ढे। हाँ तू परेशान नहीं हो, तू जा। ओके ओके मैं जा रहा हूँ। इतनी लंबी लंबी चौड़ा उसके सामने। सही है मुश्ताक, क्या नहीं है ये तुम तो नहीं बट लेगा। ओके ओके आप परेशान नहीं हो, लोग अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जा भाई मोटे। चाले कितनी लंबी लंबी फेंक रहे, बिजनेस में आदमी हूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं तेरे से बड़ा फारिंग निशान बने कोई नहीं देखा। चुप कर यार, बिजनेस मैन हूँ, देख शोरूम भी है, वर्कशॉप भी है, गाड़ी देख मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, कपड़ों से जज नहीं किया करो भाई को। अबे भाई तू चुपचाप चल यार। वैसे मोटे एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। ईमान से? हाँ बताओ। जब से चाचा गए ना यार बहुत बोरियत हो रही है ना, मैं भी यही बोलने वाला था। चुप कर बे, इन सुकून नहीं सुकून है तेरे को नहीं पता? हाँ नहीं तो बकवास कर रहा है। वैसे चाचा तेरे को उलझन होती है, आज तो उनकी तारीफें कर रहा है। अबे नहीं फिर भी वर्कशॉप जाता हूँ, शकूर को टाइट करता हूँ जरा। अबे तुम्हें इसका पता चला अशरफ भाई की दुकान का? हाँ पता चला है यार, बेचारी की जल गई यार पूरी दुकान यार। ये लोगों की नजर है और कुछ भी नहीं। हाँ इतना हाल है, लोगों की गंदी गंदी नजरें, जलते हैं लोग। ये इतना कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे? नजर लग गई यार बेचारे काम को, है ना, बुराई आ गई यार, पूरी दुकान जल गई, बहुत नुकसान हो गया यार इसका। हाँ चलो मिलते हैं उससे भी यार, थोड़ा गम में भी शामिल होना चाहिए ना यार। हाँ सही बोल रहे हो तुम, वैसे ये तो है गम में शामिल होना चाहिए यार उसके। हाँ ना यार चलो देखते हैं यार। मोटे यार भूख लग रही है, कुछ खिला दे यार। मुझे भी लग रही है, तुम कुछ खिला दो यार। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तूने इतने दिनों का मेरे को कुछ खिलाया नहीं है यार। अच्छा अबे यार यूसुफ भाई तुमने वैसे ही 500 का खर्चा करवा दिया यार, वो पेट्रोल के, वो कब दोगे तुम? अब तो भाई से भी पैसे मांगेगा यार। अबे ये क्या बात हुई भाई, यहाँ नहीं तो ये सही है भाई तुम्हारा, तुम भी चाचा वाली हरकतें कर रहे हो, वो गया तो तुम उसकी कमी पूरी कर रहे हो। अच्छा भाई चल भाई मैं ही खिला देता हूँ, तो बकवास कर रहा ये हुई ना मान, जल्दी से बर्गर शॉट ले लो, बर्गर खाऊंगा यार मैं। बर्गर खा खा के ना तो फूल फूल के मोटा हो जा, मर जाएगा किसी दिन तू, ना वजन लेके कहाँ जाएगा। यूसुफ भाई अपन, मैं सोच रहा हूँ कि यार अपन दोनों जिम चलते हैं यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या बोलता है? मुझे क्या बोल रहे हो, तुम खुद सोचो कि तुमने चलना है नहीं चलना। मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ जानू। चलो चाहिए अपन ना कि अच्छे से जिम में एडमिशन लेते हैं। इतना पैसा है मैं तो बोल रहा हूँ अपना जिम खोल लेते हैं यार। अबे हाँ तो अबे क्या पागल हो गया क्या? अबे 2-3 मशीनें उठा लेते हैं, घर में लगे डाल लेंगे यार, इतना बड़ा तो घर है। हाँ ये भी तुम सही बोल रहे हो, चलो देखते हैं कभी फ्री हो के ना चलते हैं, फिर मशीनें देख कर आते हैं अपन। हाँ ऐसा ही बोल रहा है, चलते ही ऐसा करते हैं, मशीनें खरीद के ले आएंगे, घर में डाल लेंगे, रोज सुबह करेंगे उठ के। हाँ ये भी सही है, फीस से बचे रहेंगे ना, खर्चा तो उधर फिर भी ज़्यादा होगा ना। जब दिमाग नहीं लड़ा चल आ जा, बर्गर खाएं। चल आ जा भाई, यहाँ पे भी रश लगने लग गया है। यूसुफ भाई गाड़ी तो अच्छी है यार। हाँ गाड़ी टाइट बनाई हुई बंदे ने, कलर अच्छा किया हुआ है। हाँ कल ले जाओ, इधर आ जाओ इधर से तुम। कुमता बर्गर खाना है तुमने? मैं यार खाऊंगा डबल चिकन बर्गर। वाह डबल चिकन बर्गर। हाँ भैया खाने में क्या क्या है? यार ये एक ना डबल चिकन बर्गर ज़रा पार्सल है, वो पार्सल नहीं है, ये डाइनिंग है। और मेरे को जो है ना यार मटे क्या खाऊं यार? मेन्यू ले लेना। हाँ ये भी चला के बैठ। यार यूसुफ भाई मैं कुछ सोच रहा था यार। क्या सोच रहा था जानू? ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सिगरेट पर थूक लगा रहा हूँ। अबे जाहिलों वाले काम करिए, तू वहाँ हमेशा अच्छी जगह पे बैठा हुआ, कम से कम ये तो सोच ले। अबे तो यार सिगरेट पर थूक नहीं लगाऊंगा मैं, कौन अच्छा रस बना रहा हूँ बैठ के। फिर भी ये तो देख तू यार कहाँ बैठा हुआ यूसुफ। तो ये छोड़िए बकवास नहीं कर रही, तू ये बता कुछ सोच रहा था तू अभी? मैं टॉमी के बारे में सोच रहा था, वो जो उसने जिन बातें कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी बातों से मेरे को लग रहा है वो नहीं करेगा, वो वाइट सिटी चला जाएगा।
अच्छा है ना करे, करेगा ना तो अपने आप डंडा खुद ही लेगा अपने अंदर, मरेगा किसी दिन वो। लेकिन अगर उसने कुछ करा तो? मैं तो सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा था कि तूने बात छेड़ दी, अच्छा हुआ मैंने अभी तक माइकल भाई को बताया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि उनको ना इस बारे में बता देता हूँ। मैं तो यही सोच रहा था सुबह भी जब मैं लेटा हुआ था ना, मैंने बोला यार पापा को बता देते हैं इस बारे में। हाँ सही बोल रहा है तू। कब बताएं फिर? पहले देख तो लें कि वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं। अबे भाई दे दे, कल देगा क्या? ये क्या, ये केचप चिप्स खाते नहीं क्या बनानी? तो लेकर आ जल्दी, इतना दिल लगा दे तो। चल भाई, नहीं तो देर में दिए। क्या वो दे दिए पैसे? हाँ दे दिए, आ जाओ। कितने का बिल बना? साले 750 का बिल बन गया। अबे तो 750 क्या है? तेरे लिए कुछ नहीं होंगे, मेरे लिए बहुत कुछ है। बेड 3 पैकेट आया था इसमें गोल्ड लिफ्ट के। अबे भाई 3 पैकेट और अच्छी गाड़ी शाइडेलक्स आ जाती है। हैं? अरे तू वहाँ पे नहीं करा कर यार, खत्म से सही बोलने जा तेरे को, तेरे बात करने का आती नहीं है। ये तेरे भाई से, तेरे भाई बोल रहा हूँ, तेरे अब्बा से जरा मीटिंग बिठाते हैं, उनसे टॉमी के बारे में बात करता हूँ मैं। इससे पहले टॉमी कुछ करे, तेरा बाप ही उसको फिक्स कर दे। मेरी तो फट रही है। क्यों? अबे दोनों बंदे ऐसे आमने सामने, ये ना हो कि हम बता दें, वो उनकी टशल में ना उतर जाए, वो उनकी टशल में ना उतर जाए। तेरा बाप ऐसा थोड़ी है, वो सीधा सीधा पहले बात करता है, अगर उसकी बात कोई समझता नहीं है तो फिर वो टेढ़ा हाथ डाल लेता पूरा। हाँ ये तो है, ये तो है, ये इनकी आदत चाहिए। हाँ ना, लेकिन टॉमी साला हरामी है, वो समझेगा नहीं, मेरे को इतना तो गारंटी है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि तेरे बाप को बता दें। यही तो। चलता ही है, तेरे बाप से मैं रात में बात करता हूँ मैं। हाँ भाई बात कर ले पट्टी गाने से पहले।